हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र मीन्स कला एवं वाणिज्य के पेपर का मंथली टेस्ट अगस्त का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने वाले। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए बच्चों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वाला आइकन को जरूर प्रेस कर लें। साथ ही आपको बता दें कि आपके सभी पेपर का सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। तो उन्हें देखने के लिए आप इस वीडियो को देखने के बाद हमारे इस चैनल को चेकआउट जरूर करें। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा गया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही विकल्प का चुनाव कीजिए, जिसमें आपको इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा, हमारी आवश्यकताएं हमेशा संसाधन से जो अधिक होती है। अ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका सेकेंड है, देखिए, जब सीमांत लागत घटती है तो कुल लागत आपको लिखना है। तो देखिए, घटती घटती दर से बढ़ती है, इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ब वाला इसका राइट आंसर लिखना है। इसके बाद आपका तीसरा है, हम कब कहेंगे कि बाजार में किसी वस्तु की आपूर्ति है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अ वाला, बाजार पूर्ति का जो बाजार मांग से अधिक होने पर। जी हाँ, अ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका फोर्थ है, उत्पादन शून्य होने पर अल्पकाल में स्थिर लागत खालिस्तान। तो बच्चों, इसका राइट आंसर आपका होगा धनात्मक रहती है, ब वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद आपका पांचवा है, प्राथमिक संबंक होते हैं। तो बच्चों, इसका राइट आंसर आपका मौलिक अ वाला हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स, आपके पांच क्वेश्चन जो है मीन्स आपके न्यू टाइप क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर टू कुछ इस तरीके से आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन तीन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं? कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है आपका, आदर्शक आर्थिक विश्लेषण से क्या अभिप्राय है? दूसरा है, उत्पादन फलन किसे कहते हैं? तीसरा, पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं? चौथा, आपका न्यूनतम समर्थन कीमत किसे कहते हैं? पांचवा है आपका, संतुलन कीमत का क्या अर्थ है? तो चलिए, पूरे क्वेश्चन के मीन्स आपके कोई तीन क्वेश्चन के आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर टू। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर टू का पहले का आंसर है आपका, आदर्श आर्थिक विश्लेषण से हमारा अभिप्राय लिखना है आपको उस अध्ययन से है जिसका संबंध सीधे तौर पर आदर्शों से होता है। आदर्शक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत यह समझने का प्रयास करते हैं कि विभिन्न कार्यविधियां हमारे अनुकूल है भी या नहीं। इस तरीके से फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर दो के पहले का आंसर आपको ये पूरा लिख लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, इसमें इसी में देखिए, तो इसके दूसरे का आंसर, जी हाँ, आपको दूसरे का आंसर इस तरीके से लिखना है आपको, क्वेश्चन नंबर टू के, उत्पादन फलन से हमें यह बतलाता है कि हम समय की एक निश्चित अवधि में उपादानों के परिवर्तन से उत्पादन आकार में किस प्रकार और किस मात्रा में परिवर्तन होता है। इस प्रकार उपादानों की मात्रा और उपादानों की मात्रा के भौतिक संबंध के उत्पादन फलन कहा जाता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स को उत्पादन फलन कहा जाता है। आपको ये पूरा आंसर क्वेश्चन नंबर टू मीन्स आपका क्वेश्चन नंबर टू के सेकंड वाले क्वेश्चन में लिख लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है मीन्स आपका, देखिए, क्वेश्चन नंबर टू के तीसरे का आंसर आपको ये लिखना है, जितना गुना सभी अनुपातों को दोहराया जाता है, अर्थात जितना गुना स्थित और इसलिए परिवर्तनशील स्तरों को बढ़ाया जाता है, तो वह फर्म के पैमाने को स्थापित करता है। आगे आपको लिखना है, जिसके पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है, पैमाने का यह विस्तार दीर्घकाल से संबंध रखता है। आगे आपको लिखना है स्टूडेंट, देखिए सी में, क्योंकि इसमें स्थिर साधनों को परिवर्तित करके फर्म के आकार को जो है बढ़ाया जाता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर ये पूरा लिख लेना है। इस तरीके से आपका जो है ये पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम लोग। देखिए, इसके तीन क्वेश्चन आंसर हमने करवा दिए आपको क्वेश्चन नंबर टू के। इसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री स्टार्ट होता है। तो देखिए, आप इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे गए, किन्हीं तीन प्रश्नों के आपके उत्तर आपको लिखने हैं। पहला आपका पूछा गया, स्थापन वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी दो वस्तु के उदाहरण दीजिए जो एक दूसरे से स्थापन है। सेकंड आपसे पूछा गया, अल्पकाल तथा दीर्घकाल की संकल्पना का को जो स्पष्ट कीजिए। तीसरा आपसे पूछा गया, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं? चौथा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएँ आपसे पूछी गई। और फिफ्थ में कुछ इस तरीके से तालिका श्रम के जो सीमांत उत्पादन को दर्शाती है, आपको कुल उत्पादन अंक सूची की रचना करने को कहा गया। तो चलिए बच्चों, पूरे आंसर हम देख लेते हैं इसके। तो देखिए, आपको कुछ इस तरीके से लिखना है क्वेश्चन नंबर थ्री के पहले का आंसर। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थ्री के पहले का आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, स्थापन वस्तु से हमारा अभिप्राय उन वस्तु से जो एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती है। एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी स्थापन वस्तु की मांग बढ़ती है। और इस तरीके से आपको आगे लिखना है, अथवा विपरीत,
उदाहरण के लिए देखिए, चाय और कॉफ़ी, चीनी और गुड़, पेप्सी और कोको कोला, इस तरीके से स्टूडेंट देखिए सिमिलर है आपके ये चीज़ें उदाहरण में। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन नंबर 3 के पहले का आंसर ये पूरा लिख लेना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे का आंसर आपको लिखना है, अल्पकाल वह समय अवधि है जिसमें उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं तथा कुछ परिवर्ती साधन होते हैं। इसलिए उत्पादन वर्ग केवल परिवर्ती साधनों को ही बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। आगे आपको लिखना है, दीर्घकाल की समय अवधि है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्ती होते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख लेना है। आपके सारे आंसर जो राइट है, हमने जो सारे जो आंसर आपके राइट प्रोवाइड करवाए हैं। इसके बाद आप यहाँ तीसरा देख सकते हैं, तो देखिए तीसरे का आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यूं आकार होता है कि यह प्रतिफल की तीनों अवस्थाओं को बताता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको पूछा गया था कि सीमांत लागत जो है आपका वक्र यूं आकार का क्यों होता है। इसके आगे आपको लिखना है, एवं एक बिंदु पर सीमांत लागत न्यूनतम हो जाता है, उसके बाद ऊपर उठने लगता है, अर्थात प्रति इकाई सीमांत लागत बढ़ने लगती है जिसके कारण सीमांत लगातार यू आकार का हो जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये पूरा लिख लेना है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये पूरा लिख लेना है। इस तरीके से आपका जो पूरा ये पेपर आपका सॉल्व होता है। तो आई होप बच्चों वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आपको जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको कोई 3 ही करने को कहा गया, तो तीनों के आंसर हमने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो बच्चों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और सारा जो है किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट्स हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करिएगा। साथ ही आपके सभी पेपर के सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके, तो उन्हें हमारे चैनल को जो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा।